brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव करीब आते ही सियासी गलियारों में एक से बढ़कर एक दिलचस्प खबरें आ रही हैं। यूपी की बदायूं सीट को लेकर पहले खबर ये आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक शिवपाल यादव खुद ही इस सीट से बेटे आदित्य को लड़ाने का प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, बताइए। देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आदित्य यादव का नाम उठाया गया। सभा में मौजूद धर्मेंद्र यादव ने भी आदित्य यादव के नाम पर पूरा समर्थन किया। चाचा ने पहली बार मंच से ये कहा है कि यहाँ से चुनाव आदित्य यादव लड़ेंगे, इस पर आप मोहर लगाते हैं? बिल्कुल, जो भी पार्टी का फैसला होगा मैं तो और खुशी होगी। चाचा के लिए काम करने में थोड़ा सा एक हिचक रहती, आदित्य के लिए और ज्यादा काम करेंगे। तो आगे क्या संभावनाएं हैं यहाँ को लेकर, बताइयों की जीत को लेकर क्या कहेंगे? जीतेगी पार्टी, ऐतिहासिक वोटों जीतेगी। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से जब ये सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। देखो क्या बताऊं, कितनों की आई साइट चेक करूं? क्यों सस्पेंस रखा है भाई, हर काम अच्छे दिनों में होना चाहिए। दिन अच्छे आने दो, नवरात के दिन सब जानकारी हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी में चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। देखना होगा अब की बार जनता किसका साथ देती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।